पढ़ेंगे टू स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन के मुख्य भागों की जानकारी। टू स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन के बारे में जानकारी करेंगे। ये आप लोगों ने जो चित्र बना रखा है किस इंजन का है? टू स्ट्रोक इंजन का। ये भी आपके टू स्ट्रोक इंजन का ही चित्र बना रखा है। मुख्य भाग जो आते हैं, मुख्य भाग का अर्थ होता है कि इंपोर्टेंट। ऐसे कौन कौन से भाग है जिन भागों की वजह से आपका सिंगल सिलेंडर टू स्ट्रोक इंजन चलता है? टू स्ट्रोक इंजन की साइकिल पूरी करने के लिए कौन कौन से भाग अति आवश्यक है? जिन भागों के बिना आपका इंजन नहीं चल सकता है, उन भागों के अपन लोग क्या करेंगे? जानकारी लेंगे। सर्वप्रथम अपन इंजन की सबसे ऊपरी भाग की बात करते हैं। सबसे ऊपरी भाग में आता है हेड। क्या आता है? अपने भी सबसे ऊपरी जो भाग है वो हेड है। उसी तरीके से कोई सा इंजन हो, चाहे पेट्रोल इंजन हो, डीजल इंजन हो, टू स्ट्रोक हो या फोर स्ट्रोक हो, उस इंजन के अंदर सबसे ऊपरी भाग क्या होता है? हेड होता है। हेड से ही आपकी टायर बनाने चालू होती है। इस इंजन में हेड की भूमिका है, इतनी इंपॉर्टेंट भूमिका नहीं है जितनी की फोर स्ट्रोक इंजन के अंदर होती है। क्योंकि टू स्ट्रोक इंजन के अंदर जो वाल्व की पोर्ट की जो व्यवस्था होती है वो सारी कहां होती है? सिलेंडर ब्लॉक के अंदर, जो पिस्टन के अप और डाउन जाने से ही खुलते और बंद होता है। इसका जो हेड होता है, इस हेड के अंदर पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग लगा होता है और जो गर्मी बनती है, जब इंजन आपका स्टार्ट होता है तो क्या होता है? हीटर होता है, गर्म होता है। क्योंकि फ्यूल के बर्न होने से जो गर्मी होती है, ये जो फिंस दे रखी है वो क्या करती है? उसको ठंडा करती है। तो मुख्य भागों के बारे में सर्वप्रथम क्या था? अपना हेड आता है। ये आपका इस पिस्टन से जो ऊपर वाला भाग है वो क्या है? हेड है। हेड के अंदर आपके स्पार्क प्लग लगा हुआ है और ये इसे क्या दे रखी है? फिंस दे रखी है। इन फिंसों का काम होता है कि जो गर्मी बनती है उस गर्मी को क्या करती है? ट्रांसफर कर देती है हवा के थ्रू। एयर कूल्ड इंजन है, हवा के अंदर चला जाता है, आपका इंजन जो होता है वो कार्यकारी तापमान पर रहता है। कार्यकारी तापमान का अर्थ ये होता है कि इंजन जब आपका रनिंग में चल रहा है, 50 किलोमीटर चलो, 20 किलोमीटर चलो, 100 किलोमीटर चलो, लेकिन कार्यकारी मतलब उस कार्य का जो कार्य करने का जो तापमान, उस तापमान पर रेगुलर रहना, मतलब कि उससे थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता रहता, 2-5 डिग्री कम भी नहीं होता, उससे ज्यादा भी नहीं होता। अगर ज्यादा गर्म होता था आपका इंजन तो उस कंडीशन में क्या होगा? इंजन आपका सीज हो जाएगा, खराब हो जाता है। कोई सा भी पार्ट हो इंजन का, अगर ज्यादा हीटर चलता है, ज्यादा गर्मी में चल रहा है, ज्यादा हीटर हो रहा है, इसका मतलब वो पार्ट क्या होगा? ज्यादा घिस रहा है, ज्यादा खराब हो रहा है। तो उसके लुब्रिकेशन की भी क्या होती है? व्यवस्था होती है। इसीलिए गाड़ी के अंदर क्या करते हैं? समय समय पर ऑयल चेंज करते रहते हैं, है ना। ये इसका मुख्य भाग क्या हो गया? हेड हो गया। हेड के बाद में आता है सिलेंडर ब्लॉक। क्या आता है? सिलेंडर ब्लॉक आता है। सिलेंडर ब्लॉक के अंदर आपका पिस्टन जो होता है क्या होता है? अप और डाउन होता है, मतलब टीडीसी जाता है और बीडीसी जाता है। और इस इंजन के जो पिस्टन सेकंड नंबर भाग आपको क्या दे रखा है? पिस्टन जो दे रखा है, उस पिस्टन की कार्यप्रणाली क्या होती है? इसका जो आकृति देखो, इसकी डोम टाइप आकृति दे रखी है, मतलब ये गुंबद जैसे आकृति बना देती है। सपाट पिस्टन नहीं है आपका। बाकी इंजनों में क्या होता है? या तो ऐसा पिस्टन होता है या फिर इसके अंदर क्या होता है? कंबशन होता है, गड्ढा होता है। तो उससे क्या होता है? सारी की सारी आकृति हो जाती है, उससे बंद हो जाती है। लेकिन इससे जो टू स्ट्रोक इंजन की आकृति, पिस्टन की जो आकृति है, वो आकृति बिल्कुल अलग प्रकार की दे रखी है। ये इस प्रकार की दे रखी है, इसका एक रीजन है अलग। ये देखो, यहाँ से ऊपर दे रखा और यहाँ से इस तरीके से ढलान में दे रखा। इसका रीजन क्या है कि जब आपकी गैसें बर्न होती है, गैसें इसके सक्शन स्ट्रोक में अंदर जाती है, उस कंडीशन में क्या होता है? इधर से गैसें जा रही होती है और एक साइड से गैसें बाहर निकल रही होती है। देखो ये सीन दे रखा है यहाँ पे, यहाँ से गैसें अंदर घुस रही है और इस साइड से क्या कर रही है? बाहर निकल रही है। तो मतलब कि अगर इधर से घुसी और उस साइड से निकल गई है, एक साइड से गैसें घुसी और दूसरी साइड से अगर गैसें निकल गई है, तो गैसें अगर बाहर निकल जाती है आपका इंजन चले जाएंगे, वर्किंग नहीं करेगा। तो उन गैसों को बाहर निकलने से बचाने के लिए इसकी आकृति ऐसी दी है, ऊपर खड़ी दी है, ताकि इधर से जो गैसें अंदर जा रही है वो ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन यहाँ जो गैसें थी तो अपने दाब लगने के बाद इधर से निकल जा। इसलिए इस पिस्टन की आकृति कैसी दे रखी है? डोम टाइप इस तरीके की आकृति होती है। ऐसी आकृति ओनली फॉर टू स्ट्रोक इंजन के अंदर होती है, पेट्रोल इंजन हो या डीजल इंजन। क्योंकि डीजल इंजन होगा तो उसके अंदर हवा जाएगी, पेट्रोल इंजन होगा तो उसके अंदर पेट्रोल और हवा का दोनों के द्वारा मिक्स हो जाएगा। इसके बाद में इसका महत्वपूर्ण भाग आता है, इस पिस्टन की बात करते हैं अपन।
सिस्टम के अंदर क्या होती है, रिंगे होती है, दो रिंगे लगा रखी है अपने, कंप्रेशन रिंग होती है, इसके अंदर ऑयल रिंग नहीं होती है। इसके अंदर कौन सी रिंग नहीं होती है? ऑयल रिंग नहीं होती है। ऑयल रिंग की टू स्ट्रोक इंजन के अंदर कहीं कोई उपयोगिता नहीं होती है, क्योंकि ऑयल लुब्रिकेशन पार्ट जो होता है, यहाँ पे क्रैंक केस है, क्रैंक केस के अंदर क्या लगी हुई है, कनेक्ट रॉड लग रही है, क्रैंक पिन है, यहाँ लुब्रिकेशन चाहिए, और स्मॉल एंड पिन यहाँ पे गजन पिन को लुब्रिकेशन चाहिए। तो इसके लुब्रिकेशन के लिए क्या करते हैं, जो अपन ऑयल डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल के साथ में क्या करते हैं, ऑयल मिक्स कर देते हैं, जिसको टूटी ऑयल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टूटी ऑयल बोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो कार्बोरेटर के थ्रू का आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, तो यहाँ चिपक जाएगा, क्या करता रहता है, इसको लुब्रिकेशन करता रहता है। उसके बाद में आपकी मुख्य भाग के अंदर आता है कनेक्टिंग रोड है। कनेक्टिंग रोड का नाम डाला, क्या डाला था, कनेक्टिंग, कनेक्ट का अर्थ क्या होता है बेटा, जोड़ना, क्या होता है, जोड़ना। इस शाफ्ट का नाम, इस रोड का नाम भी कनेक्टिंग रोड, मतलब ये पिस्टन को और आपकी क्रैंकशाफ्ट को जोड़ने का काम कर रही है। किसको? पिस्टन को और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ने का काम कर रही है। अब जोड़ रही है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, कनेक्टिंग रोड। अब इसका एक छोटा सिरा होता है, एक बड़ा सिरा होता है। जो छोटा सिरा होता है उसको स्मॉल एंड पिनिंग बोलते हैं, और जो बड़ा सिरा होता है उसको बिग एंड पिनिंग बोलते हैं। अब इसके मुख्य भागों में क्रैंकशाफ्ट आती है, क्या आती है, क्रैंकशाफ्ट। सारे इंजनों में होती है, डीजल इंजन में होती है, पेट्रोल इंजन में होती है, टू स्ट्रोक में होती है, और फोर स्ट्रोक इंजन में होती है। सारे इंजनों में होती है क्रैंकशाफ्ट, क्योंकि क्रैंकशाफ्ट के बगैर कोई सा भी आपका इंजन चलने वाला नहीं। क्रैंकशाफ्ट भी एक ऐसा मतलब कि पार्ट से इंजन के अंदर जो रेसिप्रोकेटिव मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है, मतलब कि आपका जो पिस्टन है वो टीडीसी मतलब कि अप और डाउन इस तरीके से चल रहा है, लेकिन उसको घूर्णी गति का मतलब घूमने वाली गति में कौन कन्वर्ट कर रहा है, क्रैंकशाफ्ट कौन कर रही है, क्रैंकशाफ्ट। तो इंजन के मुख्य भागों के अंदर सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक, और आप एक क्रैंक केस हो गया, जिसके अंदर अभी क्या लगी होती है, क्रैंकशाफ्ट। और इंजन के अंदर क्या होता है कि हवा के आने के लिए और बाहर जाने के लिए इनलेट पोर्ट होता है, इनलेट पोर्ट से अंदर आती है और आउटलेट पोर्ट से वापस बाहर चली जाती है। और क्रैंक केस के अंदर आई हुई हवा जो पिस्टन के कंबशन चैंबर में आती है, पिस्टन के ऊपर आती है, तो वो कहां से आती है, ट्रांसफर पोर्ट होकर के आ जाती है। टू स्ट्रोक इंजन के ये मुख्य भाग है, और इन भागों के बारे में अपन ने क्या करिए, जानकारी ली है। फोर स्ट्रोक इंजन के अंदर बहुत सारे भाग अलग होते हैं, बहुत सारे भाग होते हैं, क्योंकि उसके अंदर हेड के अंदर वाल्व वाली व्यवस्था होती है, उस वजह से क्या हो जाते हैं, बहुत सारे भाग हो जाते हैं, लेकिन इसके अंदर भागों की क्या है, कमी है। टू स्ट्रोक इंजन छोटा होता है, फोर स्ट्रोक इंजन से क्या होता है, छोटा होता है। तो अपने क्या था आज का पॉइंट टॉपिक।